हेलो नमस्कार दोस्तों, और मैं सुरेश कुमार प्रजापति। आप देख रहे हैं TSKP, और मैं फाइटोटॉमी का नेशनल प्रमोटर। यहाँ हम फाइटोटॉमी से रिलेटेड रेगुलरली वीडियो अपडेट करते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, जो कि फाइटोटॉमी का रैनाथॉर है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए रैनाथॉर, और अगर किसी भी भाई को यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम काम करना है, वर्क करना है और हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं फाइटोटॉमी, तो प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा आपके पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम कंपनी के रैनाथॉर प्रोडक्ट्स की, जो किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और किन किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे। तो रैनाथॉर एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन है, एक बहुत ही बड़ा सप्लीमेंट है, जो कि लोगों के लिए एक रामबाण औषधि का काम कर रहा है। लोगों की बीमारियों को बहुत ही जल्द जड़ से खत्म करने का काम, एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जिसे लेके हम अपने बॉडी की पूर्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे जुड़ के एक रैनाथॉर प्रोडक्ट्स को लेने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम काम भी कर सकते हैं, घर पे एक एक्टिव इनकम भी, पैसिव इनकम भी यहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि कोरोना काल में, एक पैंडिक सिचुएशन में, आप बहुत काफी लोगों की नौकरियां गई हैं। तो उन सभी को देखते हुए कंपनी ने यहाँ पे रैनाथॉर लॉन्च किया है। यह 14 साल से नीचे की आयु के बच्चों को नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी उनको भी नहीं लेना चाहिए, गरोदर स्त्री जो बच्चे को फीड करती हो, बच्चे को दूध पिलाती हो, उसको भी नहीं लेना चाहिए, डायलिसिस के पेशेंट जिसकी किडनियां खराब हैं, जिस भी बंदे का डायलिसिस हो रहा है उस पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए, और जो ही बंदा ज्यादा सीरियस है उसको भी इस प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए। कैसे भी लेना चाहिए बीमार व्यक्ति को, आगे हम बार में बताने वाले हैं। इसलिए प्रकाशन के तौर पर यह कैप्सूल कैसे लेना है, सुबह उठने के बाद खाली पेट गुनगुने पानी से 2 कैप्सूल, और उसके बाद 1 घंटा बाद कुछ नहीं खाना, वैसे ही रात में वो समय खाने से 1 घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ 2 कैप्सूल लेना है, अगर अच्छा रिजल्ट दिन भर में आपको चाहिए तो। और आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। वैसे अगर स्टार्टिंग अगर इस कैप्सूल की जाए, तो कम से कम आपको 1 कैप्सूल से इसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए। पहले 10 दिन इसको कंटिन्यू 1 1 कैप्सूल, उसके बाद फिर 2 कैप्सूल। जैसे ही आप धीरे धीरे आपका टाइम निकलता है, तो उसके बाद आपको 2 2 कैप्सूल करने चाहिए। स्टार्टिंग में हमें शुरुआत 1 कैप्सूल से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी इनहेल नहीं कर पाती है इस बॉडी, क्योंकि कैल्शियम की जो डोजेज है, कैल्शियम में जो प्रोडक्ट डाला गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो इसलिए उस प्रोडक्ट को उसी हिसाब से हमें यूज करना चाहिए। और इसके अंदर फ्रूट्स रूट्स वेरी और चेरी मशरूम लीव्स काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर डाले गए हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें किस लिए क्यों नहीं लेना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होते रहते हैं। छोटे बच्चों के हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा, और उनकी बॉडी जो है वो टॉक्सिफाई होती है, बिल्कुल क्लियर क्लीन चिट होती है, और उनके ग्रोथ की तरफ फैक्टर होता है। तो इसलिए 14 साल से नीचे के बच्चों को यह प्रोडक्ट, रैनाथॉर प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस होते रहते हैं। इसलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को यह प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद चलते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस प्रोडक्ट्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी हार्मोन्स अनबैलेंस होते रहते हैं, और एक छोटा सा बेबी उनके पेट में होता है, तो उसकी वजह से उनको भी यह प्रोडक्ट रैनाथॉर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, और कोई भी एडवाइस नहीं करनी चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही वेरी प्रोडक्ट्स है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए इसको उनको नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे, जो लेडीज फीड करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उस लेडीज को भी रैनाथॉर प्रोडक्ट्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटे जो जो लेडीज हैं जो फीड कर रही हैं, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट ही उस बच्चे के बॉडी के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही है। तो इसलिए उस लेडीज को भी इसको प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो लेडीज बिल्कुल फीड करती है और बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस लेडीज को भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना चाहिए रैनाथॉर प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो छोटा जो बेबी होता है उसकी बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस होते रहते हैं, और वो माँ पे ही निर्भर करता है, क्योंकि वो माँ का दूध पीता है, इसलिए उसको भी ये प्रोडक्ट
नहीं लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं किडनी डायलिसिस का पेशेंट, जिस बंदे की किडनी खराब है, किडनियों में प्रॉब्लम है या डायलिसिस का पेशेंट है, उस बंदे को भी इस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा यूज की जाती है, क्योंकि उसकी किडनियां का फिल्टराइजेशन का काम करना बंद कर देती हैं और उनकी किडनियां जो है पानी को इनहेल नहीं कर पाती हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को उनको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर किडनी काम नहीं करती है और बाथरूम कम करते हैं और डायलिसिस का पेशेंट है, तो इसलिए उसको भी इस प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां पे इस प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो इसमें पानी की मात्रा हमें ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, जिससे इस प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे मिल सके, इस प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट मिल सके, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लेना चाहिए। उसके बाद चलते हैं जो बंदा सीरियस हो, जैसे बहुत ही ज्यादा सीरियस केस हो, लॉन्ग टाइम से बीमारियां चल रही हो, मेडिसिन चल रही हो या बिस्तर पे हो, उस बंदे को भी इस प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी ही बहुत बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पानी पीने की उसमें हालत में नहीं है और उसकी बॉडी से जो गंदगी है वो निकल नहीं सकती, इसलिए उसको भी इस प्रोडक्ट को नहीं देना है रैनाथोर को। ऐसे केस में आपको यह प्रोडक्ट उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं देना है जो इस कंडीशन में है। तो आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 14 साल के बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट लेडी, डायलिसिस का पेशेंट है, इन लोगों को बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को नहीं देना चाहिए। रैनाथोर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही अमीनो और न्यूट्रिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी देखो बचना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को हम नहीं दे सकते जिनके बॉडी में कोई भी नुकसान है, या ये केसेज हैं उनके सामने जो मैंने आपको भी बताए हैं, डायलिसिस का और सीरियस केस है, उसको भी बिल्कुल भी यह प्रोडक्ट नहीं देना। और वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में यह प्रोडक्ट एक एक कैप्सूल से ही स्टार्ट करना चाहिए, और जैसे धीरे धीरे आपको उसके बाद ही आपको दो दो कैप्सूल कंटिन्यू करने चाहिए, तो और जितना हो सके आप अगर गुनगुना पानी ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और जितना उसके ज्यादा पानी लेते रहें तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स कंपनी आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप फाइटोटॉमी या हमारी टीम सुरेश कुमार प्रजापति में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं फाइटोटॉमी, तो स्लाइड पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और एक वर्क फ्रॉम होम यहाँ से एक पैसिव इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही बड़ा रेगुलेशन है जो फाइटोटॉमी के अंदर आने वाला है, इंडिया की पहली ऐसी मोस्ट लिस्टेड कंपनी है जो कि बहुत ही बड़े रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है, जो कि 15,000 प्रोडक्ट्स के साथ डील करेगी आने वाले टाइम में, ऐसी पहली कंपनी जो कि 6 महीने के अंदर 1600 प्रोडक्ट लेके आई। तो और वैसे भी अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं और आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि अगर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन, और इतना प्यार दिया आप सभी के शुक्रिया है। बाकी हर स्टेट से उन लोगों की जरूरत है जो घर पे रह के एक अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, वो टीम सुरेश प्रजापति में जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड पे हमने नंबर भी शेयर किया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आपको ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट भी करेंगे, बहुत ही अच्छी एजुकेशन और आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से आप कैसे यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम से कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, ये चीजें सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया सपोर्ट करना कर सकते हैं। तो आप हर स्टेट से हमें उन लोगों की जरूरत है जो घर पे रह के, घर से बाहर नहीं निकल के अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, और 3750 रुपए में आपको 3 बोतल यहाँ पे कंपनी की तरफ से दी जाती है, जिसमें 360 कैप्सूल हैं, मात्र 3750 रुपए के अंदर रैनाथोर की बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स इसके अंदर डाला गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।